चमक चलो। है भाई ये वही है क्या? मतलब जो मैं समझ रही हूँ, कमेंट करके बता तुम्हें क्या लगा यार, वो चमक चलो में रील बना रही है, क्या बात है। तो मंगरू जी, अब तो आपके पास बहुत पैसा आ रहा होगा, आपकी वीडियो सारी वायरल में जा रही है। हाँ वायरल में तो जा रही है। तो लाइक सब देखो, इतना पैसा आता है तो सब लोग सोचते हैं कि कुछ खरीदेंगे क्या, आप क्या खरीदोगे सबसे पहले? मैं तो सबसे पहले मीडिया वालों की जुबान खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ती हो गई है, कोई भी नेता इनको पैसे दे के खरीद लेता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप जो मीडिया के बारे में इतना सारा उल्टा सीधा बोले जाते बिना सोचे समझे, कभी सोचा एक मुकदमा मार देंगे तो आपकी पूरी जिंदगी जेल में जाएगी? बताओ, इतनी सारी परेशानी तुमसे झेली जाएंगी? एक फावड़ा मार दिया ना, यहीं फैल जाएगी। Never mess with a फावड़ा मैन। तुम्हारे पास अगर बहुत सारा पैसा आ जाए तुम क्या खरीदोगे सबसे पहले, कमेंट करके बताना। इंजीनियर फोन नहीं उठा रहा। भाई ये कौन से इंजीनियर से, ये पक्का लॉकडाउन वाला पास आउट होगा इंजीनियर। जाकर शिमला मिर्च के पौधों को पानी दो। भाई शिनचैन का कौन कौन फैन है कमेंट करके जरूर बताना, कितने बुरा बोला मैंने। गाना सुना, सुनो ना संगे मर मर के मीनार। बिल्कुल गाओ फिर। सुनो ना संगे मर मर के मीनार। कुछ अच्छा। भी नहीं आगे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल। यार दीदी प्यारी समझ, प्यारी समझ। इट्स ओके दीदी, इट्स ओके, कोई ना कोई ना। हाँ मजा आया। विदेश में कोई टकला हो जाए तो लोग उसको यू आर लुकिंग सो कूल बोलते हैं, और इंडिया में कौन मर गया रे। हाँ यार ये तो है। भैया ये थोड़ा सवाल बता दीजिए। क्या? एक किलो आलू का दाम 37 रुपया है। हाँ तो 37.5 किलो आलू का दाम कितना रुपया होगा? इतना आसान सवाल नहीं आता है, ध्यान से सुनो। देखो एक किलो आलू का दाम 37 रुपया है, ठीक? ठीक। तो 37.5 किलो आलू का दाम 37 रुपए के हिसाब से बताओ कमेंट्स में इतना महंगा आलू खरीदोगे? ज्यादा पैसा होगा तुम्हारे पास, आलू को सस्ता होने दो। यानी एक किलो आलू का दाम 10 रुपए, ठीक? तो 10 रुपए के हिसाब से 37.5 किलो आलू का दाम बताओ इतना आलू करके सड़ाओगे क्या घर में? नुकसान करोगे? आलू कम खरीदो, ठीक है? 10 रुपए के हिसाब से 10 किलो आलू का दाम कितना हुआ? 10 दहा में 100, यानी तुम्हारा होगा 100। यानी कि आलू महंगा था। कम महंगा था? बहुत महंगा था, बहुत महंगा था भाई। इसे कहते हैं बिग ब्रेन, जब आंसर समझना है ना सामने वाले का क्वेश्चन ही चेंज करवा दो, समझ रहे हो? मैडम जी 100 रुपए दे दो। 100 रुपए दे दो। 100 रुपए? क्या करोगे 100 रुपए का? वो कॉफी पीनी है। कॉफी पीनी तो 50 रुपए की आती है। गर्लफ्रेंड को पिलानी है ना। ओफो, नहीं मैडम, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया। अरे यार दे दो यार, बेचारा है ना तरस आ गया होगा बाद में सुन के। लेकिन यार ये तो देखो 100 रुपए मांग रहा है।